अलग अलग तरह के राजनीतिक खेला हो रहा है। खेला अभी सबसे बड़ा हो रहा है पूर्णिया में। पूर्णिया में पप्पू यादव ने कहा है कि हम दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। लालू यादव ने उनके साथ खेल कर दिया है। लालू यादव ने अपना उम्मीदवार, मतलब आरजेडी का उम्मीदवार, वीणा देवी को बना दिया है, उनको सौंप दिया टिकट, सेफ सौंप दिया, और वो वहां पहुंच गई है चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, बीमा भारती को लालू यादव ने उनके साथ खेल कर दिया है। लालू यादव ने बीमा भारती नाम की एक महिला को टिकट दे दिया है, अब वहां से वो लोकसभा की उम्मीदवार है, नेता रही है इसके पहले भी बीमा भारती, अब वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन कांग्रेस में कुछ दिन पहले पप्पू यादव ने अपनी जनाधिकार पार्टी जो थी उनकी, उनको मर्ज कर दिया था। कांग्रेस में उनकी पत्नी पहले से ही सांसद हैं, और अब वो पार्टी मर्ज करके इसी शर्त पर वो आए थे कि हम पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और ऐसा लग रहा था कि पप्पू यादव को लोकसभा का सीट कम से कम पूर्णिया का मिल जाएगा अलायंस में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए जो स्वयं उस इलाके से आते हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं, लेकिन उस इलाके से आते हैं, बहुत गंभीरता से वहां की पॉलिटिक्स को जानते हैं, समझते हैं, आज हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर मनीन ठाकुर आपका। प्रोफेसर साहब, ये जो खबर है अभी पूर्णिया में, ये कि पप्पू यादव ने कहा है कि हम दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, और बीमा भारती को लालू यादव ने टिकट दे दिया है, इसका क्या असर होने वाला है? एक तो अलायंस पर क्या असर होगा और पूर्णिया में क्या असर होगा? ये बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि पप्पू यादव का अपना एक आधार भी है उधर, बीमा भारती का भी अपना आधार है, और आरजेडी ने यदि बीमा भारती को दिया है तो आरजेडी का सपोर्ट बेस उसमें एक होता है, तो सब मिला जुला के एक बड़ा संकट पैदा होगा इन दोनों के लिए। और पप्पू यादव को कांग्रेस ने जिस तरीके से अभी सपोर्ट किया है, उसमें पप्पू यादव को समझाना बहुत मुश्किल हुआ वहां छोड़ दें वो। लेकिन लालू जी पप्पू यादव के ग्रोथ को लेके बहुत कभी भी कन्विंस नहीं रहे, मुझे नहीं लगता है कि वो चाहेंगे कि पप्पू यादव इस अलायंस में जीत के आए। पहले भी पप्पू जी बहुत बार लालू जी के करीब जाने की कोशिश करते थे, लेकिन कई बार उन्होंने सवाल उठाया था कि ये लालू जी की लेगेसी बेटे को क्यों मिलनी चाहिए, उनको लगता था कि लालू जी की लेगेसी उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि यादव के वो बड़े नेता रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा भी नहीं है कि इसको आसानी से रिजॉल्व किया जा सके। जिस तरह से ये तो लालू यादव एक स्मार्ट पॉलिटिशियन है, क्या लालू यादव इस बात को पढ़ लिए हैं बिटवीन द लाइन कि पप्पू यादव का कांग्रेस में विलय होना, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, और उसका अगर चेहरा पप्पू यादव बिहार में बनते हैं तो यादव को एक प्रकार से एक दूसरा आधार मिल जाएगा, दूसरा ठिकाना मिल जाएगा, और हो सकता है कि यादव उस तरफ मूव कर जाए। तो लालू यादव ने दूर की सोची और उन्होंने कहा कि पप्पू को यहां पर रोकना पड़ेगा, और इसीलिए वो पप्पू को किसी भी सूरत में सांसद नहीं होते देखना चाहते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो इलाका है इधर ना, मधेपुरा का जो इलाका है, पूर्णिया का, किशनगंज, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, इस तरफ पप्पू यादव का सोशल बेस अच्छा खासा है, और यदि वो कांग्रेस जाता है, मिल जाता है, तो लालू जी को इससे परेशानी होगी। यादव बेस कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर सकता है, और मुझे नहीं लगता कि लालू जी किसी कीमत पे मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन में कोई ऐसा शख्स को बने देना चाहते हैं जो आरजेडी के अलावा कहीं वोट को ले जा सके। ये पॉलिटिकली उनके लिए बहुत घातक हो सकता है, इसीलिए इस मामले में उनका कॉम्प्रोमाइज करना लालू जी का बहुत मुश्किल है। और ये खबर आज से नहीं थी, बहुत दिन से चल रही थी कि पप्पू यादव पूर्णिया से खड़े होंगे, और उसको प्रीएम्प्ट करके लालू जी ने ऐसा किया है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। जिस तरह से बेगूसराय का सीट को उन्होंने सीपीआई को दे दिया, बेगूसराय का सीट भी कांग्रेस को दी जाता तो शायद वहां से कन्हैया को टिकट मिलता, लेकिन बेगूसराय का सीट उन्होंने सीपीआई को दे दिया, अब वो मुश्किल हो गया। तो कांग्रेस के लिए कई मुश्किलें हो रही। कांग्रेस तो कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पा रही ना कि लालू यादव खेला कर रहे हैं विद इन द अलायंस। लालू यादव ऐसा कोई नेतृत्व पनपने नहीं देना चाहते हैं जो उनके बेटे को चुनौती दे।
कांग्रेस तो जरूर समझती होगी इस बात को, लेकिन बिहार में कांग्रेस का अस्तित्व बहुत कमजोर है, वो करेंगे क्या इस पार्टी उनके तो बिहार में कमजोर है, लेकिन ऊपर वाले जो नेता हैं उनका जो अस्तित्व है वो ये दबाव क्यों नहीं बना पा रहे हैं? बिहार के बाहर में तो लालू जी का कोई अस्तित्व नहीं है, तो बिहार में लालू दबाव के ऊपर क्यों नहीं दबाव बना पा रहे हैं जो घूम करके मटन खा रहे थे उनके साथ? तो बिहार के अंदर दबाव आना बहुत मुश्किल है ना, बिहार के बाहर अपना निर्णय ले जो लेना हो, बिहार के अंदर कांग्रेस के लिए लालू जी के से अलग हट के निर्णय लेना आसान काम भी नहीं होगा, इसीलिए तो कांग्रेस का बेस नहीं बढ़ पा रहा बिहार में। पिछले कई सालों से कांग्रेस ने जिस तरीके से अलायंस किया है उसके चलते कांग्रेस का कोई सोशल बेस नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि कांग्रेस कास्ट अलायंसेस को वर्कआउट नहीं कर पा रहा है, रिकॉन्फिगर नहीं कर पा रहा बिहार में कास्ट अलायंस को, क्योंकि वो डिपेंडेंट हो गया है लालू जी की पार्टी पे। कई लोग जो कांग्रेसी हैं वो मुझसे कहते हैं कि कांग्रेस यदि अकेले लड़ती वहां पर बिहार में तो शायद बेहतर होता आगे के लिए, क्योंकि कोई कास्ट अलायंस वर्कआउट तो होता, कोई नया अलायंस वर्कआउट तो होता कास्ट का कांग्रेस के लिए, लेकिन वो है नहीं। तो जो लोग भी कांग्रेस के साथ वहां काम करते हैं वो इसी बात को लेकर सर्टन नहीं हो पाते हैं कि उनको कहीं से टिकट मिल पाएगा। आप 5 साल तक काम करते रहे और सडनली आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो नर्चर आपने किया है वो आरजेडी नहीं छोड़ने को तैयार है, तो आप खत्म हो गए, अगले 5 साल इंतजार कीजिए। तो इससे पार्टी का सोशल बेस बहुत कमजोर हुआ है वहां पर। गन्ने की कड़ी बुनियाद जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।